स्मार्ट माओ है आज मैं तंदुवारी के कबीर नगर में खड़ी हूँ और यहाँ पर समाज से भी एक प्रबंधक के द्वारा ऊनी कपड़ा वितरण किए जा रहे हैं। 0 से लगाकर 7 साल के बच्चों को अभी तक में 1000 कपड़े वितरण हो चुके हैं। तो यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ इतनी कड़कती हुई ठंड पड़ रही है, जो गरीब वर्ग के बच्चा है उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। वितरण होता है, छोटे बच्चे को टोपा बांटते हैं। अच्छा, टोपा बांट रहे हैं। हाँ। तो अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, कौन से टोपा मिला है? पानी मिलो खोलते नहीं भैया। अच्छा, गरम वाले? हाँ, गरम वाले, ठंडी के लिए। अच्छा, ठंडी के लिए। तो गरीब लोगों को दिया जा रहा है? हाँ, गरीब लोगों को। ऊनी कपड़े वितरण हुए हैं, टोपा और पजनिया। और कितने साल के बच्चों को दिया गया है? 5 साल, 3 साल, 2 साल, नाबालक बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। उद्देश्य है कि संस्था से जो चीज आई होगी बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, वही प्रस्ताव यहाँ किया गया है। जी, यहाँ पर कुछ गरम कपड़े का वितरण किया जा रहा है जी। तो इसका उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा ये किया जा रहा है? देखिए, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है, ठंडी का मौसम है और इस ठंडी के मौसम में हम लोग ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसान दलित युवा चेतना संघ के तत्वाधान में सुदामा देवी मेमोरियल स्कूल तिनवारी के प्रबंधक हमारे उदित नारायण त्रिपाठी जी हैं, इनके संयोजन से यहाँ पर कबीर नगर में कपड़ों का वितरण, ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो भी समाज सेवी अगर किसान दलित युवा चेतना संघ के तत्वाधान में जनहित का काम करना चाहते हैं, उसका स्वागत है। आज पहली कड़ी में इस ठंडी के मौसम में हमारे सुदामा देवी मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक जी के द्वारा किसान दलित युवा चेतना संघ को समर्पित करके बंटवाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।